नमस्कार, मैं हूं बबली सिंह और आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पार्किंग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के तहत सफदरजंग अस्पताल की पार्किंग को फ्री करने की मांग की गई है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोग इलाज कराने आते हैं और केंद्र सरकार भी सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज का दावा करती है। वहीं दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल की पार्किंग से मनमाने पैसे लिए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में अभी नेशनल पैंथर पार्टी ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया है, जिसमें सफदरजंग अस्पताल की पार्किंग में मनमाने पैसे वसूले जाने की बात को लेकर पार्किंग को फ्री करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, किन्नी टाइम्स। मामला ये है कि सफदरजंग अस्पताल, जहां पर एक सरकारी अस्पताल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अस्पताल है, जहां पर लोग दूर दराज से आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। इलाज के लिए जो परेशानी होती है वो तो एक अलग चीज़ है, मगर वहां पर पार्किंग के लिए बहुत बड़ा इशू है। अभी एक नया पार्किंग टेंडर पास हुआ है अभी 29 तारीख को, जिसमें कि जनता की जेब में से सारा पैसा निकालने की योजना बनाई गई है। 18 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है पर मंथ, जो कि जरूरत से ज़्यादा है। हम उस बात के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि उसके साथ में ही ट्रामा सेंटर है, उसके साथ में ही ऑल इंडिया मेडिकल है, जहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है। अभी कुछ समय से वहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री कर दी गई है, और दिल्ली लेडी हार्डिंग में भी पार्किंग फ्री है, और RML में मात्र मिनिमम चार्जेस हैं। मगर सफदरजंग हॉस्पिटल में पार्किंग का चार्ज देखते हुए बड़ा ही अनाप शनाप चार्ज लगाया गया। कितना क्या है थोड़ा बताइए। इसमें यह है कि जैसे अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर आप मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाते हैं, पहले 2 घंटे के 10 रुपये चार्ज है, उसके बाद 10 रुपये प्रति घंटा, या अगर आपके 22 घंटे हुए तो 220 रुपये आपके चार्ज लिए जाएंगे, 220 वो और प्लस 10 रुपये, 230 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। और अगर इसी प्रकार कार है, पहले 1-2 घंटे के 20 रुपये, उसके बाद 20 रुपये प्रति घंटा, 22 घंटे लगाने के बाद 440 रुपये, 440 रुपये, 460 रुपये एक दिन के। आप देखो, ये अन्याय नहीं है? जब आपके नज़दीक में हॉस्पिटल में ऑल इंडिया मेडिकल में पार्किंग फ्री है, जिसकी जानकारी हमने अभी 4 रोज पहले MS साहब को, शरावल साहब को दी थी, मगर नीचे का प्रशासन जो है इतना ही करप्ट है कि उसने खुले आम MS साहब को भी लगता है मूर्ख बना रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं आज? हम ये मांग कर रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री साहब को लेटर लिखा, इसमें स्पष्ट तौर से कहा है कि सफदरजंग अस्पताल में भी ऑल इंडिया मेडिकल की तरह पार्किंग को फ्री किया जाए जनता के लिए। अगर नहीं किया जाएगा तो आगे क्या करने वाले? तुम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। पूरे दिल्ली में पार्किंग माफिया इतना हैवी हो चुका है, प्रशासन की मिली भगत से। करोलबाग में चले जाओ, 1 घंटे के 50 रुपये लेते हैं। क्या प्रशासन को नहीं मालूम? प्रशासन ने आँख कान नाक बंद कर रखे हैं। होस्काज विलेज में अभी संज्ञान में मामला आया, अभी 31 तारीख को नया टेंडर शुरू हुआ था, 1 घंटे के 100 रुपये। तो ये कहाँ है प्रशासन सो रहा है? प्रशासन सिर्फ जेब गर्म करने के लिए है? दिल्ली के जितने पार्षद हैं वो सब चुने हैं, वो सिर्फ जेब गर्म करने के लिए हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब 2-2 करोड़ रुपए की टिकट खरीद रहे हैं, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए की टिकट खरीद रहे हैं, तो ये यही काम करेंगे? तो पैंथर्स पार्टी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जनता की आवाज़ को उठाती रहेगी, इसके लिए हम आवाज़ को बुलंद करेंगे। ठीक। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।